Assalamu alaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani. Main hu aapki host Ayesha Gilani and jaise aap dekh sakte hain I'm here for you rain or shine. To maine socha aap log Pakistan mein baithe hue hain, main US mein hu. How can I bridge the gap between us? Well, iska log mazak udate hain but it really is true. Such ye hai ki the fastest way to a person's heart is through their stomach. To aaj ka maine pura episode dedicate kiya to food. Hum baat karenge with food enthusiasts, celebrity chefs, bahut kuch. So, let's get going. I love food. Shayad isliye kyunki mera khoon Lahore ka hai. Aur they can't do food anywhere else like they do in Pakistan. Aur iska perfect example hai Lahore ka food street ka. Jaise puri duniya kehti hai, jinne Lahore nahi dekhe ho jamya nahi. Te chalo phir. रात को फूड स्ट्रीट एक आलीशान फिल्म सेट की तरह दिखाई देती है लाहौर की इन गलियों को ऐसे खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है कि ना सिर्फ आप अपने खाने से लुत्फंदोज होते हैं बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी खूब इंजॉय करते हैं Ambiance is ethnic and traditional. Food street Pakistani aur especially Lahori culture ka ek haseen imtizaj hai. Yahan siri pie, barbecue, parathe, bhature, chapli kebab aur bahut si amazing Pakistani dishes dastiyab hain. यहाँ के लोग और उनकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं वाकई लाहौर जिंदा दिल है जिसका अंदाजा इनके रवायती खानों और मिलनसार से बखूबी लगाया जा सकता है मैं अभी खड़ी हुई हूँ ऑन पेंसिल्वेनिया एवेन्यू अगर आप देखें मेरे पीछे है कैपिटल हिल मेरे आगे है द व्हाइट हाउस और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वेल यहाँ पे 40,000 लोग गैदर हुए हैं फॉर टेस्ट ऑफ डीसी जहाँ पे 60 ऑफ डीसीज मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स अपने खाने सैंपल करवा रहे हैं और आप जो सोच सकते हैं दैट हैज टू डू विद फूड यहाँ पे हो रहा है लाइक शेफ डेमोंस्ट्रेशन फूड ईटिंग कॉम्पिटिशन और आप सुन भी सकते हैं कि लाइव एंटरटेनमेंट भी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है सो चलो लेट्स गेट गोइंग I'm standing at the stall for guacamole bar. Tell me about what you're making right here. Well, we have our secret. हमारी एक secret recipe और तरीका है. इस वक्त हम guacamole बना रहे हैं. हम इसे आम और खीरे के साथ पेश करते हैं. How many different types of guacamole do you have? Right now,
इस वक्त हमारे पास तीन किस्म के ग्वाकामोले मौजूद है। रवायती ग्वाकामोले आम का ग्वाकामोले और पाइन एप्पल से बनाया जाता है। Would you be able to tell us what that secret ingredient is? No. That's our secret. Of course. So tell me about these bowls. Yeah. These bowls are ये खास किस्म के प्याले हैं जिन्हें मॉल कशेटे कहा जाता है और एक खास तरह के पत्थर से बनाए गए हैं। ये मैक्सिको के रवायती प्याले हैं। ये कदीम दौर के कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, वो इन्हें इस्तेमाल करते थे। Can we try some of this? Sure. You see that? This is beautiful. Thank you so much. It's very busy all day. I see. We have oh my God, this is so good. Thank you. हम खड़े हुए हैं at the stall for Spice 6 Modern Indian Cuisine. ज़रा बताइए स्पाइस 6 क्या है? अंडरस्टैंड कि इसका कोई नया कॉन्सेप्ट है अब इंडियन फूड? ये हम मॉडर्न स्टाइल से इंडिया खाना बना फूड बना रहा हूँ। ये पूरा मॉडर्न है, इसमें सारा हमारा सारा जो मसाला है सॉस है सारा फ्रेश बना रहा हूँ। इसका रामी रोज बनाता हूँ, फ्रेश बनाता हूँ। इसका अभी तक कस्टमर का कोई कंप्लेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा का बहुत प्रसन्न है। आपके पास नॉन देसी कस्टमर्स कितने आते हैं? गोरा लोग ज़्यादा आता है। गोरे लोग ज़्यादा आते हैं? हाँ, गोरा लोग देसी तो थोड़ा है, गोरे लोग ज़्यादा पसंद है। हम ज़रा आपकी कोई बहुत खास आइटम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो ये समोसा है, चाट पापड़ी है। आपकी कौन सी फेवरेट चीज़ है यहाँ पे? मेरा तो सारे फेवरेट है। चाट पापड़ी से आप समोसा भी दीजिए ना, समोसा भी अच्छा है। I can't say no to that. Yeah, I want to try that. Yeah. Yeah. Mango lassi too. Mango lassi. Theek hai. We're about to get very full here. Two mango lassi please. After. Mango lassi. Oh, this is my favorite. I love mango lassi. इसके अंदर ये थोड़ी आइसक्रीम की तरह टेस्ट करी है। There's something different about it, है ना? मॉडर्न स्टाइल में बनाया है, इधर भी नहीं है दुनिया में। हाँ, इट्स वेरी डिफरेंट। इट टेस्ट लाइक मैंगो लस्सी विद आइसक्रीम। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। इस समोसे में क्या डिफरेंट चीज है दैट मेक्स इट मॉडर्न? हमारा गरम मसाला है, इसमें किधर भी मिलता नहीं। इस हमारा होल गरम मसाला स्पाइसी बनाकर डाला है। इसमें सारा उस सोते कर कर बनाया है, किधर भी बनाता नहीं ऐसा। Okay, let's try it. Ready? This spicy green chutney is not kida bhi milta nahi. Great. Sweet tamarind. Let's try it. Ab duniya mein jidha jagah mein jayega bhi milta nahi. Very crispy on the outside. Very fluffy. Andar it's स्पाइसी और मीठा भी है। वो इमली की चटनी का जायका आ रहा है और ये ग्रीन चटनी। इट्स ऑल मिक्स्ड इन टुगेदर। इट टेस्ट्स रियली रियली गुड बाय द वे। यू वांट ट्राई चिकपीज आल्सो? चिकपीज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। डिलीशियस, आई लव इट। वेलकम टू डीसी। इतने सारे मसालेदार खाने खाने के बाद what better thing to do than eat dessert? I'm standing at the Wicked Waffle stand. Tell me about Wicked Waffle. What exactly is it? Hum basically ek sandwich store hain, magar waffles aur waffle savory ka istemal karte hain. Hum waffles ko double roti ki jagah ek medium ke taur pe istemal karte hain. Medium for bread. I noticed you have huge jars of Nutella out there. So do you serve, what do you use the Nutella for? Hum Nutella ko apne sweet waffles mein istemal karte hain. ये एक 11 पाउंड का डब्बा है। हम अमूमन एक हफ्ते में एक डब्बा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार हफ्ते से ज्यादा भी लग जाता है। Can we try a waffle with Nutella? You can try whatever you want. All right, sounds good. Let's do that. All right. That looks so good. Nutella is my favorite. Mmm. It's so crispy. I did not expect that. And the Nutella and the powdered sugar, this is really, really, really good. Okay, I'm gonna go finish this and pretend to be a lady. Thank you. Thank you.
I'm so excited to try chicken and donuts. Who would have thought? I know, it's such a crazy combination. Yeah, I hear it's really good. I know, it's somehow it works. Hi, how are you? We would like to try a donut. जैसे मैंने आपको बताया था इस एपिसोड में मैं आपको अमेजिंग और डिलीशियस खाने के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी। आपने कभी चिकन एंड डोनट्स का कॉम्बिनेशन सुना है? आई नो इट्स सो वियर्ड राइट, पर डीसी में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एस्ट्रो डोनट्स, जो ये अनोखा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको ना सिर्फ इसके बारे में बताऊँगी बल्कि उसको ट्राई भी करूँगी। तो आप जाके ये पैकेज देखें और वापस आके मुझे उसको ट्राई करते हुए देखें। डोनट्स की ये दुकान खुलती तो 12 बजे है, लेकिन यहाँ ग्राहकों की लाइन सुबह 11 बजे ही लग जाती है कि दुकान खुलते ही डेढ़ घंटे में यहाँ मौजूद तमाम डोनट्स बिक जाते हैं। हालांकि इनकी कीमत भी डोनट्स की दूसरी दुकानों की निस्बत कुछ ज्यादा है, लेकिन डोनट्स भी तो कुछ खास है। जी हाँ, मीठे खुशबूदार डोनट्स और साथ में फ्राइड चिकन भी। जी हाँ, सही सुना आपने, डोनट्स फ्राइड चिकन के साथ। ये दो ऐसे खाने हैं जिन्हें अमेरिकन बहुत पसंद करते हैं, तो बस दोनों को इकट्ठा पेश करें, खाने की क्वालिटी अच्छी रखें, तो फ्राइड चिकन और डोनट्स दोनों ही को लोग पसंद करते हैं। एलियट के लिए ये कहना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन दो इंतहाई मुख्तलिफ खानों को साथ मिलाकर कामयाबी से बेचना कुछ आसान नहीं। इसके पीछे भी एक कहानी है। उन्हें बचपन में ही डोनट्स और चिकन पसंद थे। हॉकी गेम्स में भी वो डोनट्स साथ लाया करते थे। फिर बातों बातों में एक आइडिया आया और कुछ दो साल पहले उन्होंने फिलाडेल्फिया में एक दुकान खोली जहां डोनट्स और फ्राइड चिकन इकट्ठे बेचने शुरू किए। उनके डोनट्स और फ्राइड चिकन दोनों ही ग्राहकों को बहुत पसंद आए, इतने के हर रोज तमाम डोनट्स और चिकन बिक जाते और इतने मशहूर हुए कि फिर ये दुकान न्यूयॉर्क और अब वॉशिंगटन में भी खुल गई। उन्होंने अपनी दुकान का नाम गोल्डन ब्राउन एंड डिलीशियस रखा, जहां वो ग्राहकों को लंच के लिए फ्राइड चिकन और डोनट्स पेश करते हैं। इस रेस्टोरेंट के शेफ जेसन कहते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहां कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि चिकन और डोनट्स का ये कॉम्बिनेशन इतना मकबूल हुआ कि वो हर रोज 72 किलोग्राम चिकन और कोई 1000 डोनट्स तलते हैं और लोग हाथों हाथ उन्हें खरीदते हैं। लेकिन ये दोनों तले हुए खाने सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका की एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन के माहिरीन का कहना है कि हर रोज खवातीन के लिए 2000 और मर्दों के लिए 2500 कैलोरीज से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जबकि फ्राइड चिकन के दो पीसेज और एक डोनट्स में 680 कैलोरीज मौजूद होती है। तो इस दुकान में एक वक्त का खाना कैलोरीज की एक दिन की रिकमेंडेड तादाद पूरी कर देता है। माहिर खुराक जूडी कैपलन डोनट्स और फ्राइड चिकन के कॉम्बिनेशन के बारे में कहती हैं, इट गोज अगेंस्ट व्हाट कॉमन सेंस इज टुडे। तले हुए खाने से परहेज करें और प्रोसेस्ड गोश्त से भी, लेकिन ये हमारा अलमिया है। हमारे लिए दुनिया में खाना कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बतौर माहिर खुराक मना करूंगी। आप उन्हें कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन हर रोज नहीं। समथिंग लाइक दैट टू मेक इट एन एवरीडे क्विक सैंडविच टू गेट, आई डोंट रेकमेंड दैट। एक कुकिंग क्लास में पेस्ट्री शेफ वेंडी जेम्स अपनी क्लास को खाने के बारे में बता रही हैं। अप एंड डाउन एंड यू आर गोना टर्न योर डो ऑफ। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो मुख्तलिफ खाने आपको मुख्तलिफ जायका देते हैं। जितने ज्यादा फ्लेवर्स होंगे खाना उतना ही मजे का होगा। मीठा, नमकीन, करारा, हम हर तरह के खानों में फ्लेवर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। बहरहाल माहिरीन जो भी कहें, फ्राइड चिकन और डोनट्स की इस दुकान पे ग्राहकों का रश बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि लोग खानों में नित नए जायकों को तरजीह देते हैं और गोश्त हो या चिकन, साथ में डोनट्स पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग येट डिलाइटफुल। मैं अब इन दोनों को साथ में खाऊंगी। आर यू रेडी? आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दिस एग्जैक्टली, बट स्टार्ट फ्रॉम, या, लाइक दिस।
Okay. That means it's time to eat. Yeah, exactly. It's always time to eat. It's so, it's juicy, but it's really flavorful too. Mm-hmm. Okay. I wonder how they get it just this right. Like, so crispy, mm-hmm. So juicy. Are you getting hungry too? Poor cameraman. That was so good. I'm so full. Let's take a nap. Actually, Los Angeles, California, में एक जगह है जिसका नाम है आर्टिजा. वहाँ पे एक बहुत बड़ी concentration है of Indian and Pakistani stores and restaurants, जहाँ पे बहुत मज़े के खाने मिलते हैं. हाल ही में हम वहाँ पे गए थे and we got to experience some of their delicious foods. आइए चल के देखते हैं. I think I'm ready for round two. I'm ready. Let's go. Let's go. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद लियाकत है और आर्टिशिया के अंदर मेज़बान बिरयानी पैलेस के नाम से हमारा रेस्टोरेंट है. ये रेस्टोरेंट इंडियन और पाकिस्तानी कोजीन के नाम से पहचाना जाता है. हमने मेरे एक दोस्त जो हैं वो हैदराबाद दक्कन से हैं और मैं पाकिस्तान से हूँ, तो हमने मिल के ये रेस्टोरेंट शुरू किया था. अब जो है यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब ये हमारे कस्टमर हैं और यहाँ हमें तो पता ही नहीं है कि हम परदेश में हैं. हम जो हमारे जो कस्टमर्स आते हैं और जिस तरीके से हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किए जाते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कहीं मुल्क से बाहर हैं. बिल्कुल अपने मुल्क वाला हम कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क वाला जो है टेस्ट और सर्विस प्रोवाइड करें. All types of food, but I think I like Indian and Pakistani food because of the gentle yet intense spicing that happens. I love the curries, I love the use of sauces, I really enjoy the different ways they can make rice come alive. It's just a very special cuisine that has a lot of love in it. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम नासिर है, पाकिस्तान ताल्लुक़ है कराची से. यहाँ कैलिफोर्निया में तकरीबन हम लोग 15 साल से हैं और ये हम लोग जो इस वक्त मैं खड़ा हूँ आर्टिशिया पे हूँ. आर्टिशिया पे हम लोग इसलिए आते हैं, पाकिस्तानी इंडियन दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं. जब हमें टाइम मिलता है या पाकिस्तानी याद आती है खाने की, तो हम लोग यहाँ आर्टिशिया आते हैं. पर्शियन एम्पायर में बर्फ यानी स्नो के ऊपर अंगूर का जूस डाल के लोग खाते थे. 2000 BCE में चाइना में दे यूज टू मेक अ फ्रोजन मिक्सचर दूध और चावल का. फिर 37 68 AD में रहने वाला रोमन एम्पायर नीरो पहाड़ों से बर्फ मंगवाता था और उसके ऊपर फ्रूट डाल के खाता था. फॉर मैनी 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 ईयर्स एंशियंट सिविलाइजेशंस हैव बीन ईटिंग आइसक्रीम. आज LA में किस तरह लोग आइसक्रीम बनाते और खाते हैं, आइए चल के देखते हैं. आइसक्रीम देखकर मुंह में पानी आना तो आम बात है,
लेकिन क्या कभी इसे आंखों और कानों में भी पानी भरा है? लॉस एंजलिस की एक आइसक्रीम लैब में ऐसा भी हो रहा है। मुझे इसका ख्याल पहली बार उस वक्त आया जब मैं हांगकांग आया। टॉमी और इनके स्कूल के जमाने के साथी जोसेफ लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से आइसक्रीम बनाते हैं। ये एक फौरी फ्रीजर के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसीलिए आपको धुंध का मंजर दिखाई देता है। इस लैब में आइसक्रीम के मजे पर भी तजुर्बे किए जाते हैं। सबसे ज्यादा मकबूल यहाँ सॉल्ट लिक क्रंच है, जो मीठे और नमकीन का इम्तिजाज है और यूरोप में मकबूल है। हमारी सॉल्ट लिक क्रंच वनीला बीन आइसक्रीम बहुत मशहूर है। कुछ मील के फासले पर वाके एक आइसक्रीम कंपनी के ग्राहकों को नज़ारे से पहले आइसक्रीम की आवाज़ सुनाई देती है। हम इसे स्नो आइसक्रीम कहते हैं। ये बारीक कटी हुई बर्फ से बनी है, इसलिए हल्की फुल्की है और इसमें आइसक्रीम का भरपूर गाढ़ा मजा भी है। ये डेजर्ट ताइवान में बहुत मकबूल है और हमारी कंपनी के मालिक इसी जायके को खाकर बड़े हुए हैं। जनरल मैनेजर ब्रायन लियांग कहते हैं कि उनके पास सब्ज चाय और काले तिलों के जायके वाली आइसक्रीम है और एशियाई जायकों वाली टॉपिंग्स भी हैं। एलिसन हफ ने सुर्ख लोबिया और जापानी राइस के कंडेंस्ड मिल्क के साथ लिया है। 30 मिनट के फासले पर एक ईरानी अमेरिकी मश्ती शरवानी ईरानी अंदाज की आइसक्रीम बनाते हैं। मश्ती और उनके भाई मेहदी 34 साल से मश्ती मेलोन के नाम से ये जगह चला रहे हैं। मैं तो हर खाना पुराने अंदाज से बनाता हूँ। मैं इसे नापता तक नहीं, बस अपनी आंखों और हाथों के अंदाजे से काम करता हूँ। इनके हाथ से बनी अदरक, जाफरान, नारंगी के सफेद फूलों और गुलाब के अर्क वाली आइसक्रीमें दस्तरखान सजा रही हैं। ईरान में लोग आइस मिल्क बनाते हैं, यहाँ आइसक्रीम बनाई जाती है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। मश्ती मेलोन में पेश की जाने वाली आइसक्रीम अमरीकियों के मिजाज को सामने रख कर बनाई जाती है। 14% चिकनाई के साथ ये आइसक्रीम दूध की मलाई से तैयार होती है, लेकिन मश्ती के भाई मेहदी कहते हैं कि थोड़े बहुत फर्क के बावजूद ये ठंडी मीठी डिश बैनुल अक्वामी मकबूलियत रखती है। आइसक्रीम मूड अच्छा करने का सबसे सस्ता तरीका है। मेरा मतलब है, अगर आप खुश न हो और आइसक्रीम खा लें तो आप खुश हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि आइसक्रीम बहुत से कल्चर्स में मकबूल है और लोग मुसलसल इसे नए अंदाज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमने इतने मजे मजे के खाने देखे, ट्राई भी किए, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा खा लिए क्योंकि नाउ आई नीड अ नैप, आई एम सो टायर्ड। शायद हमारा अगला एपिसोड शुड बी अबाउट एक्सरसाइज बिकॉज आई रियली नीड इट राइट नाउ। Anyway, you know the drill. आप हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा, हमें emails को भेजते रहिएगा। तो हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफर के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।